हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका सत्येंद्र ब्लॉग में। दोस्तों अब हम आ चुके हैं साइंस म्यूजियम, जो कि प्रगति मैदान दिल्ली के अंदर स्थित है। दोस्तों ये म्यूजियम बहुत ही खास म्यूजियम माना जाता है दिल्ली के अंदर, और इसमें बहुत सारे साइंस से रिलेटेड डेमो बने हुए हैं जो कि हम देख सकते हैं, और साथ ही यहाँ बहुत सारे साइंस से रिलेटेड शोज भी होते हैं जिनके चार्जेस अलग अलग डिफरेंट हैं। पर दोस्तों एक खास प्लेस माना जाता है दिल्ली के अंदर, इसमें क्या क्या खास चीज़ें हैं अंदर चलकर देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और जुड़े रहे वीडियो के अंत तक दोस्तों। दोस्तों म्यूजियम में अंदर आते ही आपको ये सेटअप पूरा देखने को मिलेगा। इस पर मल्टीपल बॉल्स लगातार रोटेट होती रहती हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बॉल ऊपर जा रही है और ये पूरे पर रोटेट होते हुए नीचे आएगी। ऐसी मल्टीपल बॉल्स इस पूरे डेमो में आपको देखने को मिल जाएंगी। साथ ही देख सकते हैं दोस्तों एक ये बॉल, यार ये दोस्तों ऐसे मल्टीपल बॉल्स इस डेमो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। आप ऊपर भी देख सकते हैं एक बॉल ऊपर चल रही है, तो ये एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनाया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हड़प्पा संस्कृत से जुड़ी हुई हैं। उस समय कितना विकसित तरीके से काम किया जाता था, इनके नमूनों को बनाया गया है जिससे कि लोग उस संस्कृति को, उस समय के साइंस को समझ सकें। कहा जाता है कि हड़प्पा संस्कृति बहुत ही विकसित प्रकार की सभ्यता थी, संस्कृति थी।
इसके साथ साथ दोस्तों वुड क्राफ्ट की कुछ चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये हाथी पूरी तरीके से लकड़ी से बनाया गया है, किस तरह की नक्काशी इस पर की गई है। ये संगीत से जुड़े हुए यंत्र, और इस साइड देख सकते हैं तोहफों को किस तरह से लगाया गया है। और ये जंतर मंतर का पूरा दृश्य आप देख रहे हैं, अगर आप जंतर मंतर नहीं गए तो आप देख सकते हैं जंतर मंतर पूरी तरीके से सेम इसी प्रकार से बनाया गया है, जिसके बहुत ही सुंदर तस्वीर को यहाँ लगाया गया है। दोस्तों साइंस म्यूजियम का भी कुछ ही % भाग मैंने अभी तक देखा है, पर लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानने लायक हैं। तो आप भी साइंस म्यूजियम दिल्ली में हैं तो साइंस म्यूजियम एक बार ज़रूर आएं और इस म्यूजियम को एक्सप्लोर करें। दोस्तों आमतौर पर कैरम बोर्ड में हमेशा टाइगर से बोर्डिंग हूँ, कोई बदलाव मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये एक ऐसा कैरम बोर्ड है जिसमें कहीं भी हम थ्रो करें सामने वाले रखे हुए टाइगर को ये टाइगर जरूर रिट करेगा। ये इस डिजाइन के कारण है। दोस्तों एक बार एग्जाम्पल करके देखते हैं, इसका देख सकते हैं कितनी बार दे रहे हैं, इसको अलग अलग दिशा में दूंगा उतनी बार सामने वाले इस टाइगर को भी हिट करेगा। ये इस कैरम बोर्ड की खासियत है। आमतौर पर ये चीज़ आपने व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर किसी किताबों में पढ़ी होगी, लेकिन सामने इस मॉडल को बनाया गया है। इस मॉडल में आप जितना फोर्स सामने की तरफ डालेंगे उतना ही फोर्स से आगे वाली बॉल रन होगी। अगर आप एक सिंगल बॉल से हिट करते हैं तो सिंगल बॉल, अगर डबल बॉल से हिट करेंगे तो फोर्स डबल बॉल पर ही लगेगा। अगर हम तीन बॉल का फोर्स हिट करते हैं तो सामने फोर्स भी तीन बॉल पर लगेगा। दोस्तों आमतौर पर किसी भी वेट में अगर ऊंचाई से अकेला जाए तो हम नीचे की साइड ही जाता है, पर इस उपकरण में आप देख सकते हैं कि ढलान की साइड और ऊंचाई की साइड है, लेकिन अगर मैं अगर चीज़ को नीचे की तरफ लाता हूँ और छोड़ देता हूँ ये तो वापस ऊंचाई की तरफ ही पहुँच जाता है, जो कि आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। ये ही एक अलग प्रकार का साइड साल्ट वाले जगह है, जो गुफा के तरीके से बनाई गई है। ये उस समय की झोंपड़ी जिसमें लोग रहा करते थे, और ये ताम्र ये पत्र पत्रिकाएं उस समय जो यूज़ की जाती थी संदेश भेजने और लिखा पढ़ी के लिए।
हम जिस पोर्शन में आए हैं उसे पूरे तरीके से समर्पित किया गया है सरदार पटेल जी को, जो कि लोह पुरुष के नाम से हमारे देश में प्रसिद्ध हैं। हर बच्चा उन्हें लोह पुरुष के नाम से जानता है। तो इस पूरे चैम्बर में हम जानेंगे उनके बारे में और उनसे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों आइए, ये भी दोस्तों आइए ये भी एक्सप्लोर करते हैं इस पोर्शन। दोस्तों अब हम एक और नई गैलरी के अंदर जा रहे हैं। दोस्तों ये गैलरी में आपको प्राचीन समय में जानवर पृथ्वी पर किस तरह वास करते थे, उनका साइज क्या था, किस तरह के जानवर हुआ करते थे और उनकी जीवन शैली क्या हुआ करती थी, ये सारा कुछ दिखाया गया है। तो दोस्तों अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर जाते ही आपको दृश्य दिखेंगे। दोस्तों देख सकते हैं कितने डरावने साउंड सुनाई दे रहे हैं, साथ ही साथ डायनासोर के डिफरेंट डिफरेंट आकृतियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर आप डायनासोर के अंडे देख सकते हैं, ये आमतौर पर जुरासिक पार्क में देखने को मिले होंगे। ये था पूरा साइंस म्यूजियम जो मैंने आपको एक्सप्लोर कराया, सारे चैम्बर्स एक एक करके सारे चीज़ें दिखाई आपको। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस म्यूजियम में आपको क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।